तो हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो एक्टिंग करने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडिटिंग है। जो ये जो एक्टिंग है मैंने पिक्सआर्ट में किया है, उसके बाद लाइटरूम में मैंने इसमें थोड़ा सा शैडो और कलर एडजस्टमेंट किया है। तो अगर आपको ये एडिटिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए जल्दी से एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये जो बैकग्राउंड है मैंने पिक्सल्स से डाउनलोड किया हुआ है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल फ्री है साइट, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री का डाउनलोड आप कर सकते हो। और इसे हम उसके बाद थोड़ा सा इसे हम क्रॉप कर लेंगे, इतना ठीक है। अब हम चलेंगे अपने मॉडल के पिक्चर को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने अपने पिक्चर का बैकग्राउंड पहले से ही इरेज करके रखा है। मैंने बैकग्राउंड इरेज पे एक वीडियो पहले से बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसी वीडियो के बाद जाके उसे देख सकते हो। तो पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पे एडजस्टमेंट करेंगे। थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस को मैंने यहाँ पे कम किया है, क्योंकि जो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है मेरे बैकग्राउंड का वो थोड़ा सा कम है, इसलिए हाईलाइट को भी यहाँ पर थोड़ा सा हम करेंगे कम। शैडो को थोड़ा सा यहाँ पर हम करेंगे, इसे भी थोड़ा सा अभी कम ही रहने देते हैं। टेम्परेचर को तो कम करेंगे ही, क्योंकि ओवरऑल फोटो जो हमारा है वो थोड़ा सा ब्लू टोन पे है। अब इतना हो जाने के बाद हम इसे कर देंगे ओके। चलेंगे हम स्टिकर पे और यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे एंजल विंग्स। सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारे जो PNGs हैं विंग्स के वो आ जाएंगे। आप चाहें तो किसी को भी चूज़ कर सकते हो आप अपने पिक्चर के हिसाब से, लेकिन मैं ऐसे ही चूज़ करूँगा ये वाला जो है। अब इसे हम यहाँ पे कर लेंगे एडजस्ट, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ पे। एडजस्ट करने के बाद हाँ, हम इसके ऑपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ पे हमें कम करना होगा। ये एडजस्ट हो गया है, अब थोड़ा सा ऑपेसिटी को हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। चलेंगे इरेजर टूल पे, हार्डनेस को बढ़ा देंगे पूरा। उसके बाद आप साइज को अपने हिसाब से रखें, और जो भी पार्ट हमारे बॉडी के ऊपर है ये विंग्स का, उसे हम कर लेंगे इरेज। इरेज करने के बाद हम इसको ऑपेसिटी को यहाँ पे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने विंग्स को भी बैकग्राउंड से मैच करना ज़रूरी है। इतना हो जाने के बाद हम सिंपली यहाँ से कर देंगे ओके। चलेंगे फिर से स्टिकर पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे हैरी पॉटर। जी हाँ, हैरी पॉटर कॉन्सेप्ट एडिटिंग थोड़ा सा है ये। यहाँ से आएंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, और ये जो स्टिक है इसे हम ऐड कर लेंगे। ये जो स्टिक है, अगर आपने हैरी पॉटर देखा है तो ये स्टिक रहता है हैरी पॉटर में डंबलडोर के पास, जो कि हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल रहते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लेंगे जो भी हमारे उंगलियों के ऊपर आ गया है। अब इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी इसमें हम कर लेते हैं। डन करेंगे ओके, फिर से चलेंगे स्टिकर पे, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट इफेक्ट
और यहाँ पे हम ये इस वाले लाइट को चुन लेंगे आप, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला। आप चाहें तो कोई सा भी लाइट चुन सकते हैं अगर आप इस ऐसा ही सेम एडिटिंग कर रहे हो तो। और इसे हम रखेंगे अपने स्टिक, जो हमारा मैजिक स्टिक है, जादू की छड़ी, उसके नोक पे, और थोड़ा सा इस पे भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे क्योंकि ये भी ज़रूरी है। इसके टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे पूरा कम किया है क्योंकि मुझे इसमें ब्लू टोन चाहिए था, इसलिए। अब इतना हो जाने के बाद हम इसे कर देंगे ओके, फिर से चलेंगे स्टिकर पे। और यहाँ पे मैं कुछ PNGs ऐड कर ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे PNGs ऐड कर सकते हो, आपको बहुत सारे PNGs PicsArt में मिल जाएंगे। मैं एक दो PNG यहाँ पे ऐड करूँगा, वो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो PNGs ऐड हो जाने के बाद हम अपने फ़ोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव। उसके बाद इसे हम ओपन करेंगे Lightroom में, क्योंकि Lightroom के बिना तो कलर ग्रेडिंग अधूरा है। तो दोस्तों, मैंने अपने पिक्चर को Lightroom पे ऐड कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा शैडो एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि एक तरफ से लाइट इस पर आ रहा है, तो एक तरफ जाहिर सा बात है वो डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा डॉज होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैं अपने एक साइड को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्टिव टूल को अपने फेस पे रख रहा हूँ और इसे हम कर देंगे यहाँ से इन्वर्ट रेडियल ग्रेडियंट। होल्ड करके रखिएगा तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम ओवरऑल एक्सपोजर को कम कर देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे फेस को नहीं बाहर के एरिया को डार्क करना था, इसलिए। तो ये हमारे फेस पर अप्लाई नहीं हुआ, बाहर के एरिया पर अप्लाई हुआ। अब हम थोड़ा सा एक PNG ऐड करेंगे अपने स्टिक के ऊपर, जो यहाँ पे एक लाइट PNG हमने ऐड किया था, उसे हम थोड़ा सा कर लेंगे ब्राइट। अब यही ब्लू टोन का जो इफेक्ट है मुझे अपने जीन्स पे भी चाहिए, क्योंकि कलर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट टूल को ऐड किया है, उसके ब्राइटनेस को मैंने यहाँ बढ़ाया, टेम्परेचर को कम किया, काम हो गया इस। अब हम थोड़ा सा ओवरऑल सेटिंग को यहाँ पे देख लेंगे। मैंने एक्सपोजर को थोड़ा सा कम किया है, ब्लैक्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेंगे -2 पे, चलेंगे फेस कलर पे, और लिमनेस को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। थोड़ा सा एक और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐड होना चाहिए सेलेक्ट टूल मेरे विंग्स पे, मेरे नहीं, मैंने ऐड किया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है, तो जाहिर सा बात है उसे थोड़ा सा लाइटन पार्ट होना चाहिए, नहीं तो फेक लगेगा फिर। तो दोनों विंग्स पे मैंने सेलेक्ट टूल की मदद से दोनों का जो एक्सपोजर है मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। तो एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।